नमस्कार, नेशन 24 में आपका स्वागत है। मैं नीरज और अभी हम मौजूद हैं जामताड़ा में। आपको हम बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेके और झारखंड विधानसभा चुनाव को लेके जो है सरगर्मी चुनाव की तेज हो चुकी है और हर पार्टी जो है अपने अपने स्तर पे चुनाव में जनता के बीच अपनी बातों को अपनाने चीजों को लेकर जनता के बीच आ रहे हैं, उनकी बातों को सुन रहे हैं। इसी क्रम में नेशन 24 की टीम भी जो है पूरे झारखंड प्रदेश के दौरे पे है, लगातार सर्वे कर रही है कि किस तरह की स्थिति बन रही है, इस बार राजनीतिक समीकरण क्या बन रहा है, इन सारे चीजों को लेके जो है जनता के बीच जा रही है, प्रत्याशी के बीच जा रही है, प्रतिनिधि के बीच जा रही है, विधायक के पास जा रहे हैं, इन सारे लोग की बातों को सुन रहे हैं और अपने माध्यम से आवाम तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अभी हम मौजूद हैं तरुण कुमार गुप्ता जी के पास जो आसू से पार्टी से जुड़े हुए हैं। आपको हम बता दें कि 1995 से जो है लगातार ये राजनीति में सक्रिय रहे हैं और बीजेपी से जुड़े रहे हैं, पर एक बगावती तेवर के कारण जो है उन्होंने किसी नाराजगी के कारण जो है उन्होंने बीजेपी को छोड़ आसू में का दामन थामा और आज आसू में एक बड़े मुकाम पे हासिल किया है। केंद्रीय महासचिव के तौर पे जाने जाते हैं और लगातार जनता के बीच बने हैं, उनके सुख उनके दुख में शामिल होते रहे। आपको हम बता दें कि ये सामूहिक विवाह भी करवाते हैं, तो चलिए हम इनसे ही जुबानी सुनते हैं और जानते हैं पूरी बातों को और समझते हैं कि जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र और दुमका लोकसभा क्षेत्र की राजनीतिक समीकरण क्या है। धन्यवाद सर। पहला सवाल है कि सर जामताड़ा का राजनीतिक समीकरण। देखिए, जामताड़ा मूलतः क्या है कि ये जनरल सीट है, लेकिन जनरल सीट होते हुए भी कि यहाँ पर आदिवासियों की अच्छी खासी संख्या है और जो ट्राइबल है वो पूर्व में भी पहले भी जेएमएम से जुड़े हुए लोग हैं, लेकिन जेएमएम का चाल चरित चेहरा और लगातार आदिवासियों के बीच में जो उनकी छवि खराब हुई है। झारखंड बने हुए 23 साल हो गया और एक बार रघुवर दास जी को छोड़ करके कहा जाए तो झारखंड में आदिवासी मुख्यमंत्री जनरली हुआ है, लेकिन जो आदिवासी समाज जो दिल से इनके साथ जुड़ा हुआ था जेएमएम के साथ, कहीं ना कहीं अब इनसे विमुख हो रहा है और पूरी तरीके से विमुख हुआ। जो नए जनरेशन के नौजवान आदिवासी लड़के हैं उनको लगता है कि क्या मिला बुआ राज बन करके, व्यवस्थाएं तो वही चल रही है, भले सड़कें बन गई, रोड बन गया, पुल पुलिया बन गया, लेकिन हमारा पेट का साधन क्यों नहीं मिटा, हमारा भूख क्यों नहीं मिटा, हमको रोजगार क्यों नहीं मिला, हमारे गांव के बच्चे को शिक्षा बेहतर क्यों नहीं मिला, हमको आज भी बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा क्यों नहीं मिला, आज भी हमारे गांव में अगर 5 को चापाकल है तो 5ों खराब है, हम क्यों डोभा का पानी पी रहे हैं, क्यों पोखरा का पानी पी रहे हैं, क्यों नदी का पानी पी रहे हैं। आजादी के 70 सालों में अगर आदिवासी समाज अगर आज भी पानी के लिए तरसे तो किस अबुआ राज की हम बात कर सकते हैं, आप सोच सकते हैं। ये 23 सालों में आदिवासी सबसे ज्यादा नीचे स्तर पे गया है। आदिवासी नेताओं का भले भला हो गया, उनकी गाड़ी मजे से चल रही है, उनकी बोली मजे से चल रही है, उनकी दुकानदारी अच्छी चल रही है, लेकिन जो हमारा आदिवासी समाज है वो पूरी तरीका से आज भी, अब गांव में जाए अगर आप आए इतने दूर से तो यहाँ निश्चित तौर पे जो पिछड़े आदिवासी गांव है, कोई भी आदिवासी गांव आप सूची पे नहीं उठा लीजिए और चले जाइए, वहां की क्या स्थिति है, वहां पर मूलभूत सुविधाओं का क्यों अभाव है, ये आपको चिंतन करने पड़ेगा। जामताड़ा विधानसभा में 25 साल फुरकान साहब ने, 10 साल इरफान राज कर रहा, बाप बेटी की शासन चल रहा है और ये बाप बेटा को आदिवासी सबसे ज्यादा वोट देता है। क्या और कारण क्या है? कारण एक तो जेएमएम से उनका कोलैबोरेशन होता है, दूसरा क्या है कि आदिवासी समाज को जो है अब लगने लगा है कि नहीं हम गलत जगह पे वोट दे रहे हैं, 50 रुपया का सड़िया, 10 रुपया का मड़िया, ये जो हम ले रहे हैं उनसे कहीं ना कहीं हम अपने समाज के साथ खती कर रहे हैं। अभी हमारा पंचायत स्तरीय सम्मेलन चल रहा है पूरे पूरे विधानसभा में, आज भी आदिवासी गांव चंद्रदीपा आज वहां हमारा सभा था, कल सबनपुर में सभा था और सब प्योर आदिवासी गांव, बड़े बड़े आदिवासी गांव है, आप देखिए सोशल मीडिया पे देखिए किस तरह हजारों की संख्या में आदिवासी नौजवान हो, लड़के हो, बूढ़ा बूढ़ी हो, सब पहुंच रहे हैं, पंचायत स्तरीय कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं, उनकी अपेक्षाएं बढ़ गई है, उनको लग रहा है कि हमको यहाँ परिवर्तन करना निश्चित है और इसलिए वो लोग मन बनाया है और बड़ी संख्या में आदिवासी नौजवान आज आसू का दामन थाम रहा है और निश्चित तौर पे आने वाला समय यहाँ पर केला का खेला होगा और जामताड़ा
कुछ न कुछ अच्छा मैसेज देने का काम करेगा। क्या बीजेपी और आसू एलायंस? देखिए ये तो हाई लेवल की बात है, क्या होगा हमको नहीं मालूम, लेकिन शादी के समय कोहरा तो रोपा नहीं जा सकता है। शादी की तैयारी तो पहले से पहले होती है, तो हाँ हाँ तैयारी चल रही है, संगठन मजबूत कर रहे हैं। और अगर जिस दिन सुदेश महतो जी जामताड़ा के विधानसभा पे हाथ रखेगा तो उनको पूरी तरीका से हम आधार देना चाहते हैं। इन आधारों पर आप अपना डिमांड कर सकते हैं। जब तक हम उसको आधार नहीं देंगे तो सामने वाले सवाल पे सवाल करेगा कि किस आधार पे हम आपको ये विधानसभा दें। तो उसके आधार को कैसे मजबूत करें, संगठन को कैसे मजबूत करें, ऊपर के नेताओं को, जनता को कैसे हम मैसेज दें, उसके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं और हमारे एक एक कार्यकर्ता पूरी ईमानदारी से इस काम को अंजाम दे रहे हैं। लोकसभा तो बीजेपी के हाथ आ जाता है, लेकिन विधानसभा की सीट हमेशा यहाँ पे जो है फिसल जाती है। हम दोनों की बात कर रहे हैं, यदि आप जुड़े हैं तो भी अलग है तो भी। इसके पीछे का मूल वजह क्या है? मूल वजह यही है कि दूल्हा अगर खराब हो जाए तो बाराती भागेगा ही, बात समझ जाइए। अगर कभी कभी दूल्हा खराब हो जाता है तो लड़की भी वरमाला नहीं डालती, उतर के चली जाती है स्टेज पे। ये तो 5 साल का जीवन का सवाल होता है। कोई गुंडा मवाली चोर चुहाड़ को तो वोट देगा नहीं, तो उसे लोगों का आप कैंडिडेट बना देते हैं, उसे लोगों को उम्मीदवार बना देते हैं। अशांत क्या, पूरा वातावरण को अशांत कर दिया है। यहाँ पर आम लोगों को जीना मुश्किल कर दिया उसने, पूरा विषाक्त वातावरण, लोगों से हैकड़ी से बात करना, गुंडागर्दी करना, लोगों को दबंगता दिखाना। देखो आज के तारीख में एक रिक्शा वाला भी बलशाली है, आप उसको भी छू करके नहीं कर सकते क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है। आप जैसे छूएंगे उसे पूरा इंडिया स्तर पर बात जाएगी, एक रिक्शा वाला को मार दिया, पल्ला मार दिया, बोलेगा कि नहीं बोलेगा, डिजिटल दुनिया है। तो जिस दिन पार्टी बेहतर उम्मीदवार को लाएगी निश्चित तौर पर जामताड़ा विजय प्राप्त करेगा, फतेह होगा। इंडिया एयरलाइंस की चर्चा करते हैं, क्योंकि बहुत तामझाम के साथ इसको लाया गया था और लग रहा था कि एक मोदी जी के खिलाफ, या कहें यूं कहें कि जो बीजेपी एनडीए की सरकार है उसके खिलाफ जो है बहुत जोर शोर से ये सामने आया था। पर क्या लग रहा है आपको कि अब बिखरना शुरू हो चुका है या अभी टूट बाकी है, उसमें हेमंत जी का भी जाना था? देखिए 1 से 20 तक अभी सिर्फ मोदी है, उसके बाद ही कोई है। तो जब तक आप मोदी से लड़ना चाहते हो तो मोदी से बेहतर लाना पड़ेगा। अगर आप से हमको लड़ना है तो हमको आपसे थोड़ा बलशाली होना पड़ेगा, तभी हो सकता है। तो अभी 1 नंबर से लेकर 20 नंबर तक सिर्फ मोदी है, 20 नंबर के बाद कोई आता। तो आप बताइए, इतने पायदान के नीचे अगर कोई नेता है, उनकी पूरी टीम है, जिस टीम का नेतृत्व करने वाला ही आधा पागल है, जिसको लोग पसंद नहीं करता है, तो उससे आप कैसे जीत सकते हैं? सेनापति आपका मजबूत होना चाहिए, मनोबल आपका मजबूत होना चाहिए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, तभी ना आप कोई जीत सकते हैं। बहुत चीजें तो आत्मविश्वास से जीता जाता है। और आज के तारीख में इंडिया जो गठबंधन बना है, पूरी तरीका से अपना कुनबा बचाने का, अपनी इज्जत बचाने का इन लोगों का तामझाम चल रहा है। बाकी आने वाले चुनाव में सिर्फ मोदी मोदी मोदी। अभी से ही बिगुल फुका चुका है, मोदी मोदी और मोदी। अगला सवाल है सर हमारा कि आपकी सरकार, आपके द्वार अबुआ आवास, क्या ये चुनावी स्टंट है या वोट बैंक की राजनीति? नहीं, ये पूरी तरीके से वोट बैंक का राजनीतिक है और ये चुनावी स्टंट है। आप पूरा खाका देख लीजिए कि जनता आपके द्वार, किस बात के लिए जनता आपके द्वार? जो वीडियो पैसा दे करके आया है जिस ब्लॉक में, वो अबुआ राज अबुआ आवास के नाम पे पैसा तसीलेगा न गरीब का सेवा करेगा, बताइए क्या प्लानिंग है? जितना पैसा आपने अबुआ आवास के लिए तय किया है उसमें भी आप 50% इशू कर रहे हैं। एक एक पंचायत को 30-35-40 का लगभग आवास मिल रहा है और वहां पर लेने वाला है 500। आप किनको देना चाहते हैं? 3 कमरे का आप आवास बना चाह रहे हैं। तो ये जो चीजें चल रहा है, प्रोपेगंडा चल रहा है, कहीं नहीं कहीं अपनी छवि को बचाना चाह रहा है। जितने इनके ऊपर एलिगेशन आया है उनसे बचने का प्रयास कर रहा है। ईडी जाना नहीं चाहते, ईडी से भाग जाते हैं, जब जब मिलता है समन तब तक वो कहीं ना कहीं प्रोग्राम में निकल जाते हैं बाहर। नहीं, ये तो खैर उनका अपना मामला है, उस पर प्रकाश डाल लीजिए कि क्यों, ताकि ईडी का सम्मान है और ईडी एक केंद्र में सरकारी तंत्र है, तो इस पे तो उनको सम्मान को जवाब देना चाहिए। चूंकि मामला कानून
कानून का पालन तो सबको करना चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी करना चाहिए। अगर आप कमजोर नहीं है, आप गलत नहीं है, तो सामना करिए, जाइए ईडी से पूछिए कि क्यों हमको बुला रहे हैं। उनका कहना है कि हम एक बार जवाब दे दिए, अब वो भेजते रहे मुझे जाने। या आपका जवाब ना ईडी जाना है ना पब्लिक जाना है। आपने आदिवासियों के हित के बात किया और सबसे ज्यादा आदिवासी को परेशान किया, सबसे ज्यादा। आज भी चले जाइए, आदिवासी नौजवानों को न रोजगार मिल रहा है न बेहतर शिक्षा मिल रहा है। देखिए गुरुजी किसी न किसी भी तरह से एक महाजानी प्रथा के विरुद्ध में लड़ाई लड़ा था, उसका जो भी था कर्ज यहाँ के आदिवासियों ने चुका दिया, अभी बबुआ को नहीं चुकाएगा। इसलिए आने वाले समय में बबुआ को उनका सही रास्ता पकड़ाएगा यहाँ की जनता, ये निश्चित रखिए। मान के चलिए कि बीजेपी है जो आसू का अलायंस हो गया, बातें हो गई और फिर उसी असान तत्व को यहाँ से टिकट मिल गया, तो आपका रुख क्या? देखिए हम आज की चिंता बगावत करेगी नहीं, आज की चिंता करते हैं, कल की चिंता नहीं करते। कल क्या होगा किसको पता, अभी ले लो जिंदगी का मजा। कल क्या होगा किसको पता, अभी ले लो जिंदगी का मजा। तो अगला सवाल मैं इनसे, आप इसके कुछ कार्यों पे करते हैं, आप सामूहिक विवाह करवाते हैं? निश्चित, लगातार 4-5 साल से करा रहा हूँ। कितने लोग? 51 जोड़ा, मैंने लक्ष्य ही रहता है, टारगेट ही रहता है 51 जोड़ों का सामूहिक विवाह कराना, और जो इसी क्षेत्र का रहता है, हमारे विधानसभा के रहता है, तो उन लड़कियों का सामूहिक विवाह कराना, और पूरे उनको ये नहीं लगता है कि ये फॉर्मेलिटी है कि हम गए नहीं, वोट से इसको कोई मतलब ही नहीं अपने विधानसभा। हाँ, तो यहाँ की लड़कियों के लिए हम चाचा हैं, बाप है, जो भी है, जिसका बाप नहीं है उनके लिए भी खड़ा होता है। अभी सामूहिक विवाह छोड़कर अंधेरा भी करते, अंधेरों भी कोई भी लड़की की शादी होती है हम लोग बढ़ चढ़ के ले पहुंचते हैं। देखिए यही चीज कह रहे हैं, सामाजिक जो होते हैं और नीचे स्तर पे जब काम करते हैं तो सुख दुख जो भी होता है उसमें वो शामिल होते हैं, और इनका यही लक्ष्य के साथ ये हमेशा जनता के बीच जाते हैं, जिसका एक उदाहरण सामूहिक विवाह है, जहाँ 51 जोड़ों की शादियां जो है ये सारा चीज के साथ विधि व्यवस्था और सारा कुछ के साथ ये कराते हैं, बाप बन के, चाचा बन के, भाई बन के। अगला सवाल है सर आपसे, कुछ गंभीर सवाल। जी, इस बार जो लड़कियां आई थी जब हमने उसका रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, तो उसमें प्राय लड़कियां कह रही थी कि चाचा इस बार हमारे मेहंदी रस्म अच्छा से होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए, मतलब हाँ फुल एंजॉय होना चाहिए। तो हमने अक्षरा सिंह को बुलाया था इस बार फरवरी में। बहुत बड़ी बात है कि एक गैर के लिए इन्होंने अक्षरा सिंह को यहाँ बुलाया शादी के लिए, शादी के, और अक्षरा सिंह आई और टोटल लड़कियों के हाथ में पहुंच पहुंच के उसने मेहंदी रचाया, पूरा समय दिया सभी लड़कियों को, लगा सभी लड़कियों ने उनसे सेल्फी लिया, पोज खिंचाया, ये आप सामने देख रहे हैं, तस्वीर भी टंगी हुई है। तो बहुत एंजॉय किया, और अक्षरा सिंह ने हम लोगों को वादा भी करके गया कि अगली बार आप जब शादी लड़के रचाएंगे तो फिर से आऊंगा। ये परंपरा जारी रहे? हाँ, परंपरा जब तक जीवन है जब तक शक्ति है करता रहूंगा, ये चीजें तो है। एक गंभीर सवाल सर, मैं नहीं पूछ रहा, आवाम जनता के पास सवाल है जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। आपराधिक कई मामले दर्ज हैं आपके ऊपर, क्या कारण है इसका? हमारे ऊपर कोई आपराधिक मामला नहीं है, किसने कहा? 12-13 दिखते हैं, कुछ कुछ कभी इधर का कभी कुछ का, कभी नहीं। मेरे विरोधी ने हम पर हरिजन एक केस करवाया था, बस यही एक मामला है। उस दिन सामूहिक विवाह में जहाँ से बारात निकली थी तो वहां पर बोला कि ये नगर भवन लूट लिया, चोरी कर लिया, और दोनों जो आरोप जो लगाया है जिसने भी किया है यहाँ की जनता जानती है, हमको क्या बताना है। और सीआईडी की जांच हुई, पूरी सीआईडी की टीम ने हमको उसमें बरी किया, दोषीदार से मुक्त किया। और जब हम इस केस में थे, परेशान थे, उस समय हमने सरकार से मांग किया और सरकार ने सीआईडी की टीम बैठाई कि इस पर जो हरिजन एक्ट लगाया गया इसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने जांच रिपोर्ट दिया, सरकार को सुपुर्द किया, कोर्ट में सुपुर्द किया, और उसने स्पष्ट कहा कि इसका इस केस में कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है। इसलिए आपराधिक कोई मामले मेरे ऊपर नहीं है। एक एसटीसी का केस है, एक जिस दिन सामूहिक विवाह हुआ तो उस दिन नगर भवन में चोरी करने का आरोप लगाया। क्या संदेश होगा यहाँ के जनता, यहाँ के आवाम?
देखिए जनता के लिए कोई हम संदेश नहीं देते, संदेश जनता जो देती है उसको एक्सेप्ट करते हैं। क्या मिला है आपका संदेश? बहुत अच्छा, सबका प्यार मिलता है, मोहब्बत मिलता है। अगर कोई अपने दरवाजे पे ला के बैठाता है, सम्मान देता है, वही सबसे बड़ी चीज है। ईश्वर की दया से कोई दिक्कत नहीं है, कमा खा रहा हूँ, जी रहा हूँ, चलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं। और राजनीतिक देखिए भैया, राजनीतिक चलते रहता है, राजनीतिक के साथ साथ सामाजिक कार्य को हमने सबसे ज्यादा प्राथमिकता दिया है। पॉलिटिक्स तो होता ही रहता है, पॉलिटिक्स तो चलेगा भी, और जो व्यक्ति दूसरे पर आरोप लगाता है उसको पहले अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा कि भैया आप कहाँ तक लुच्चा लफंगा हो, नहीं कहना चाहेंगे। चलिए इतना ही कहना चाहते हैं कि तुम कहाँ तक लुच्चा लफंगा हो। तो अभी आप सुन रहे थे नवीन कुमार गुप्ता जी को, जो कि आंसू के कदावर नेता के तौर पर जाने जाते हैं और लगातार समाज के बीच बने हैं, उनके सुख दुख में शामिल रहते हैं। और आपको बता दें कि एक कन्याओं लड़कियों के लिए एक बहुत बड़ा कार्य करते हैं, जो विगत 5 सालों से ये करते आ रहे हैं, सामूहिक कन्या विवाह, जिसमें 51 जोड़ों को जो है वो उस सब सुख सुविधा के साथ उनकी शादी भी कराते हैं। लगातार जनता के बीच बने हुए हैं, पंचायत स्तर पर जनता से मिल रहे हैं, उनकी बातों को सुन रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं, और क्या सही है क्या गलत है उस निर्णय को लेने पे उन पे ही छोड़ते हुए जो है लगातार ग्रामीणों के बीच जा रहे हैं, उनकी बातों को कर रहे हैं। तो आप देखते रहिए नेशन 24 न्यूज़। लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलिएगा। नमस्कार।